दर्द है क्या कीजिए, माने न मनाऊं मैं कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है क्या कीजिए। प्रेम है फूलों का सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। ना मिले लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। यार इसे कहते हैं बैटिंग, क्या खेला जबरदस्त यार। नेक्स्ट बॉल। अरे मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रही है अम्मी? अरे पाकिस्तान जीत रहा है ना अम्मी। ये मैच पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। अच्छा, फिर तो और भी मुबारक हो। अब किस बात की मुबारक हो? देखो पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेल रहा तो कम से कम ये तो हमें उम्मीद है ना कि पाकिस्तान हारेगा नहीं। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप। वैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत जबरदस्त टीम है। अरे बहादुर एक बात तो बताओ। पूछे। ये क्या लड़कियों की भी क्रिकेट टीम होती है? हाँ हाँ बिल्कुल होती है, और वो मर्दों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। अरे क्या कह रहे हो? कसम से। अरे ये देखे क्या शॉट मारा है यार, ये ड्राइव देखी, देखा आपने कैसा कैसा ड्राइव किया। अरे चुटकी मुझे तुमसे एक काम है। बोले। मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हो। कोई खास मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा कहना मानो। अब ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन इसका मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? देखो मैं चाहती हूँ कि तुम क्रिकेटर बनो और कौमी टीम में जाओ। जा तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन उनके हिसाब से मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। अम्मी क्या हो गया, कौमी टीम में तो सारे मर्द हैं, 10 मर्दों के साथ मैं अकेली औरत अजीब सी नहीं लगूंगी? अरे पागल हो क्या, मैं लड़कियों की टीम की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं है। अरे पसंद तो तुम्हें मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बर्दाश्त कर रही हो ना? हाँ ये तो सच है। तो इस खेल में भी बर्दाश्त ही होती है, बस तुम मेरे लिए क्रिकेट खेलना सीखो। लेकिन आपको अचानक ये ख्याल क्यों आया क्रिकेट का? वो पड़ोस में नादरा है ना, उसकी बहू स्पोर्ट्स चैंपियन है अपने कॉलेज में। अच्छा तो अब नादरा की बहू जो करेगी मुझे भी वही करना है, हैं? अरे क्यों जरूरी नहीं है, नादरा सारे मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफें करती फिरती है और उसकी बहू शो मारती है, मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अम्मी मुझे घर का बहुत काम है। अरे काम तो होते रहेंगे, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। कहां? क्रिकेट की प्रैक्टिस। मुझे नहीं जाना। अरे शाजिया तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अम्मी तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती है। आदमी नहीं औरत। अरे हाँ हाँ वो एक ही बात है ना, पर मुझे तो क्रिकेट खेलने आती नहीं। अरे तो तुम्हें किसने कहा क्रिकेटर बनने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना जरूरी है, पाकिस्तानी टीम को नहीं देखती क्या? चलो 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 मैच शुरू करो, और गुड्डू को भी बुला लो, उसे विकेट कीपर बना देंगे। भाईजान घर पे नहीं है। कहाँ गया गुड्डू? वो नौकरी ढूंढने गए। अरे उसकी गैरत कब से जान गई। चलो चलो। मम्मी मेरी बात सुनो, जो काम करने आई ना उस पर तवज्जो दे। क्रिकेट खेलनी है ना तो चले क्रिकेट खेले। चलो पहले बैटिंग कौन करेगा, मैं कर लूं?
जी नहीं, आप लोग चाहते ना कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो पहली बैटिंग मैं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हें फास्ट बॉलर बनाना चाहती हूँ, बैटिंग मैं करूंगी। ले लो बॉल, बॉल लो, बैटिंग। ओ भाई, शाजिया एक्सप्रेस आ रही है, आइए। ये शाजिया, कम ऑन, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तुम नहीं तोड़ना है। लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे शाजिया एक्सप्रेस। 170 पे बॉल करानी है तुमने, और ये शाजिया एक्सप्रेस ओवर की आखिरी बॉल कराते हुए। बहस मत करो वरना जुर्माना हो जाएगा, 4 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकोगी। तेरा शुक्र मर गई। अरे नहीं भाई, जिंदा है, नफ्स चल रही है। ना लाइट, शुक्र तो ऐसे अदा कर रहा था जैसे मर गई हो। अरे अम्मी ये बातें छोड़े, चले उठाए इसको, लेके चले अंदर। अरे अम्मी इतनी देर हो गई, अभी तक होश क्यों नहीं आया इसको? अरे मैं भी तो ये सोच रही हूँ कि जल्दी से होश में आ जाए ताकि मैं अपनी बैटिंग पूरी करूँ। ओह अल्लाह, अम्मी यहाँ मेरी बीवी बेहोश पड़ी और आपको अपनी बैटिंग की पड़ी है। तो मैं क्या करूँ, कैसे लाऊं उसे होश में? कुछ करिए ना, लाए इसको होश में। अरे हाँ, एक आइडिया है मेरे पास, देखना अभी कैसे होश में आती है, अभी देखो। आए हाय, देखना ऐसे ही तो नहीं ना, सब तरीके आते हैं मुझे, ये देखो अब कैसे होश आता है। अम्मी ये इतना घिसा पिटा तरीका 10 बार फिल्मों में देख चुका हूँ, कोई नया तरीका नहीं सूझा क्या? स्क्रिप्ट में ये लिखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये देखो, आंखें खोली। शाजिया, ये लोग कौन? मैं कहाँ हूँ? अरे शाजिया, मैं बहादुर, ये अम्मी जो तुम्हें कभी पसंद नहीं। खजाना कहाँ? खजाना? अबे खजाना किधर है, बोल। अरे अरे, ये गुसल खाने का पूछ रही है, गुसल खाना, ये रहा। मैं अपने खजाने की बात कर रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिसकी वजह से मैं जंगलों में फिर रही हूँ, दरियाओं में फिर रही हूँ, कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, बताओ मेरा खजाना कहाँ है? अरे अरे खुदा की कसम, हमें किसी खजाने के बारे में नहीं मालूम, वरना हम उसे छोड़ते क्या? तो ऐसी की तैसी, बता के जरा खजाना। अरे कौन सा खजाना? कोई खजाना नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा। अरे जान निकालेगी क्या इसकी? मैं तो उसे ढूंढ के रहूंगी। रुको, अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना। चुप कर, खजाना। अम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे मुझे क्या मालूम था कि सर पे चोट लगेगी तो इसकी मेमोरी कार्ड चला जाएगा। अरे मेमोरी कार्ड नहीं, मेमोरी अम्मी, मेमोरी। मतलब इसका मेमोरी सही है? अरे मेमोरी तो खराब है, मेमोरी कार्ड मैंने चेक नहीं किया। आप जल्दी से किसी अच्छे सस्ते और टिकाऊ डॉक्टर को फोन पे लाएं और फौरन उसे यहाँ बुलाएं। ये सस्ता और टिकाऊ डॉक्टर कहाँ से लाऊं? हाँ, वो पड़ोस में जो लड़की रहती है ना, उसे बुला लेती हूँ। अरे अम्मी वो जानवरों की डॉक्टर है। और ये तो तुम्हारी बीवी कौन सी इंसान है, अभी जाके फोन कर। कहाँ है ये खजाना, ढूंढ के रहूंगी। कहाँ है ये खजाना? किधर है? सारी जिंदगी लग गई इस खजाने के चक्कर में, कहाँ है ये खजाना? किधर है ये? शाजिया ये क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है, आराम से। कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ। झूठ मत बोलो। अरे काश ये झूठ होता, लेकिन ये सच है शाजिया। तुम दुश्मन के आदमी हो ना? अरे यार मैं तो तुम्हारा आदमी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे यार मैं तुम्हारा क्यों कुछ बिगाड़ूंगा, मैं खुद बिगड़ा हुआ हूँ। शाजिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज इस गन को नीचे रख दो। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे इसी के तो पैसे मिलते हैं। चाय वाला। हाँ तो पर चाय बहू, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। शाजिया देखो अम्मी भी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम्हारे लिए चाय लाई है। क्या मिला है इसमें? इसमें चीनी मिलाई है, दूध मिलाया है और पत्ती मिलाई है। और शहद? अच्छा, जहर भी मिलाते हैं क्या चाय में?
मुझे तो नहीं पता था। अरे शाजिया अम्मी, तुम्हारी चाय में जहर क्यों मिलाएंगी? क्योंकि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तुम लोग दुश्मन के आदमी हो। अरे अरे बहू, मैं कैसे दुश्मन का आदमी हो सकती हूँ? मैं तो औरत हूँ, अलबत्त बहादुर हो सकता है दुश्मन का आदमी। अरे अम्मी, उसकी तो याददाश्त गई है, आपको क्या हो गया? अरे तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग कौन हो? यार अम्मी, ओ गुड्डू, आज ही तुझे इस एपिसोड से जाना था। ये गुड्डू कौन है? मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, बेल बजी, मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। माँ को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। डरी खड़ी रहे चुपचाप, मेरा खजाना कहाँ है? देखो देखो बहू, इसे खेलते नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, कहीं लगभग गई तो मैं इसको बैठ। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? इसको दूर रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैं हसीना। ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ आई लव यू टू। क्या? ओ नहीं नहीं, कुछ पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ गया था। कहिए कैसे आना हुआ? रिक्शे से। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब मुझसे मिलने या किस सिलसिले में? देखिए मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, अम्मी को भी हमेशा डॉक्टर बहू चाहिए थी। आप कहना क्या चाह रहे? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रही। देखिए मुझे आपके जज्बात को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे बताइए मरीज कहाँ है? कौन मरीज? कौन मरीज? आप ही के घर से किसी रोशन आरफ की कॉल आई थी और वो कह रही थी इमरजेंसी में डॉक्टर चाहिए। अच्छा अच्छा, तो अम्मी ने आपको बुलाया था? पहली बार अम्मी ने कोई अच्छा काम किया। वैसे आने में आपने देर नहीं कर दी? जी हाँ, एक्चुअली सीएनजी बंद है ना, तो रक्षे वाले ने भी मुंह फाड़ के पैसे मांगे। अब मेरा दिमाग खराब और ज्यादा ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मरीज कहाँ है? ओ आइए, मैं आपको शाजिया से मिलवाता हूँ। देखिए मुझे शाजिया वाजिया से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बताइए मरीज कहाँ है? अरे शाजिया ही तो मरीज है। अच्छा ठीक है, चलें। चले आए। रुके, बैग पकड़े। जी जी, आइए 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 आइए। ये बहादुर कहाँ रह गया? ऐसा मुझे अकेला छोड़ के चला गया इसके। आइए आइए, कहाँ रह गए थे तुम? पहले बताइए किसे देखना है, इन्हें या इन्हें? मैं तो चाहता हूँ आप मुझे ही देखती रहे। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कौन है बहादुर? अम्मी ये वही जिनको आपने फोन करके बुलाया था। ये वही लड़की है? अरे मेकअप तो बहुत अच्छा किया हुआ, शक्ल बिल्कुल बदल गई है तुम्हारी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे एक बात तो पता है, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहिबा हूँ। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मैं इनका इलाज तब करूंगी जब इनका चेकअप करूंगी। अरे हटे ना अम्मी, डॉक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए, जाइए जाइए। मेरे करीब मत आना। ठीक है, इस बैग में खजाने का नक्शा है? नहीं। तो फिर खजाने का नक्शा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता खजाने का नक्शा कहाँ पे। डॉक्टर साहब आप क्यों डर रही हैं? आप तो डॉक्टर हैं। तो मैं और क्या करूँ? चंद पैसों की जॉब के लिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अगर मुझे पता होता खजाने का नक्शा कहाँ है तो मैं इन पागलों के घर क्यों आती हैं? अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, जब से इसके सर पे चोट लगी है ना, जब से ऐसी बैकी बैकी बातें कर रही है ये। ओ आई सी, अब आप मुझ पे छोड़। देखें अगर आप मेरे साथ ताबुन करेंगे तो मैं खजाना ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या वाकई? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। सच बोल रही हो? सच मुझ? क्या मैं शक्ल से आपको झूठी नजर आती हूँ? नहीं। थैंक यू। तो ठीक है, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और हम दोनों साथ मिलकर खजाना ढूंढेंगे। हाँ सही है, चलो। अरे गन तो हटा दो। हटो, साइड में हटो। डॉक्टर चल 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 चल, अब तो हम दोस्त हैं। अंदर 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 खजाना अंदर। हाँ खजाना अंदर। तू बैठ आराम से, होशियार तू, चल अंदर। डॉक्टर का बैग तो दो। अम्मी यहीं छोड़ गई, मैं नहीं जा रहा, वहां पे गोली वोली मार देगी मुझे, पता नहीं क्या है इसमें। पिला वजह बहादुर नाम रखा, एक नंबर का बुजदिल बेटा है मेरा। अब्बा पे गया हूँ ना। देखिए मैंने इम्पोर्टेंट मेडिसिन लिख दी है, इसको जाएं भाग के लेके आए। जल्दी किस बात की है? आप किसी बात की नहीं।
तो फिर आप क्यों कह रही हैं भाग के जाए? अरे आराम से जाऊंगा और फटाफट वापस आ जाऊंगा। देखिए मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, इसमें से आपको जल्दी जल्दी काम करना होगा। हाँ अच्छा, वैसे इन सारी दवाइयों का बिल कितना तक होगा? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपए। 2000? सिर्फ 2000 रुपए सिर्फ होते? लगता है आपको अपने पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अपनी बीवी से। नहीं अरे बीवी आपके जैसी हो तो 2000 क्या, 20,000 भी बेमायने। लेकिन वैसे आप मुझ में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं वो कह रहा था कि यहाँ पे कोने पे ना अंडे वाला बर्गर बहुत मजे का मिलता है, आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊं। अरे बहादुर बहादुर, कोई और खाए ना खाए, तुम मेरे लिए अंडे वाला बर्गर ले आना और साथ में वो केचप और हरी चटनी होती है खट्टी मीठी, क्या मजा आता है खाने में। जी जी अम्मी, मैं जाता हूँ अभी लेकर आता हूँ। अरे जल्दी आ जाना। सुनो लड़की, तुम इतनी छोटी उम्र में जानवरों की मतलब तुम डॉक्टर कैसे बन गई? क्या मतलब? मतलब ये कि पढ़ के तुमने डॉक्टरी पास की या नकल करके? एक बात तो पता है। जी जी। आपको पूरा यकीन है कि आपके पूरे घर में सिर्फ आपकी बहू ही पागल हुई है? क्या मतलब? ये क्या कह रही, कहीं इसने ये तो नहीं कहा कि मैं भी पागल हूँ? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह सकती है। अब सुनो सुनो, तुमने ये क्या कहा था मुझे समझ नहीं आया। प्लीज ये दवा खा लीजिए, मैं ये दवा नहीं खाऊंगी। शाजिया खा लो ना प्लीज। तू चुप कर। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है शाजिया, अब तू तो राग पत्त तो नहीं शुरू करो। देखिए अगर आप ये दवा नहीं खाएंगे तो आपको खजाना कैसे मिलेगा? ऐसा लगता है कि तुम दुश्मन की GF हो। दुश्मन? उसका नाम दुश्मन तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे देख के तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे शाजिया वो लाइट गई हुई ना, इस वजह से पसीने आ रहे। तुम उसके अब्बू? नहीं। उसके भाई हो? हरगिज नहीं। भाई जैसा ही है। इसके बॉयफ्रेंड हो? काश। इसके होने वाले शौहर हो? फिलहाल तो नहीं। तो इतना बीच में क्यों बोल रहे हो? एक सेकंड, अगर आप ये दवा खाएंगी तो आप में ऐसी पावर्स आ जाएंगी, खजाना ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। लगता है तुम ठीक कह रही हो। 100%। तो फिर तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रहे, गद्दार की सजा मौत है। जानती हूँ जानती हूँ, बहुत ही पुराना डायलॉग है। ये ले, बल्कि ये इसी में डालो। देखिए उनके सर पे चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभार एक झटके से याददाश्त वापस आ सकती है और कभी कभी सालों लग जाते हैं लेकिन याददाश्त वापस नहीं आती। हसीना जी, अगर शाजिया ठीक नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? अरे बड़े अजीब इंसान है आप, अपना सोच रहे हैं, अपनी बीवी का ख्याल रखना है आपको इस टाइम पे। लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपकी अम्मा है ना, वो रखेंगे आपका ख्याल। अरे अम्मा तो अपना ख्याल नहीं रख पाती, मेरा क्या रखेंगे। आइडिया, आप कोई फुल टाइम मेड रख लें। अरे कैसे रख लूं, आजकल तो वैसे ही मेड्स के बड़े दिमाग खराब है, आपको तो पता है महंगाई का जमाना है और बटुआ मेरा पुराना है। नहीं नहीं, आपको सस्ते में भी मेड मिल जाएगी। अरे वो मसला नहीं है, मसला जरा ये है कि मेरे खर्चे आमदनी से ज्यादा है। एक मेड या एक मासी क्या किसी का वैसा ख्याल रख सकती है जैसे एक बीवी रख सकती है? देखिए अब आपकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा तो ये तो बताएं कि आपका आगे का क्या प्लान है? अभी 1 घंटे तक ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर ही कुछ बता सकती हूँ। वैसे किससे ऑब्जर्व कर रही हैं? आपकी वाइफ को, उनको मेडिसिन दी है ना, 1 घंटे बाद रिजल्ट पता चलेगा। आप शाजिया की बात कर रही थी? तो आप किसकी बात कर रहे थे? मैं भी उसी की बात कर रहा था। अरे छोड़े, आप चाय पिए ना प्लीज। आप भी पीजिए ना। जी जी मैं। अरे चुटकी गजब हो गया। अरे अब तो होश में आ जाओ। तू कहना क्या चाहती है? माना कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे तू तू करके बात करो। सीन को ज्यादा ड्रैग मत कर, सीधा सीधा पता क्या हुआ है? वो बहू मुझे ये बात बतानी थी कि ये तो दूर करो, बहादुर और उस डॉक्टर का चक्कर चल रहा है, अगर चल नहीं रहा तो चलना शुरू हो। अबे मुझे अपने खजाने की पड़ी हुई है, तू अपने छिछोरे बेटे की लव स्टोरी सुना रही है, चल भाग यहां से। अरे अब तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह बात करने की? ए आराम से बात कर। पर तेरी हिम्मत कैसी मुझे? क्या कर दिया मैंने? चुटकी चुटकी उठ जाओ, चुटकी उठो, चुटकी उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अम्मी
अम्मी क्या हुआ था मुझे? अरे अरे ये मेरे सर पे क्या? तुम्हारी याददाश्त चली गई थी चोट लगने से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तुम ठीक हो गई हो। अम्मी ये बहादुर और भाईजान कहाँ हैं? और गुड्डू तो सुबह से घर पे नहीं है, दफा है। और बहादुर उस डॉक्टर को पटाने की कोशिशों में लगा हुआ है। कौन डॉक्टर? कैसी डॉक्टर? अरे तुम्हें कैसे याद होगा, तुम्हारी तो याददाश्त नहीं थी। क्या? नहीं, बहादुर ऐसे धोखेबाज नहीं हो सकते। बहादुर! अरे बहादुर धोखेबाज नहीं था, ये तुम्हारे गुड्डू ने सब कुछ सिखाया है। अब चल के संभालो उसे। मैं बहादुर को नहीं छोड़ूंगी, इसी घर से मारूंगी अगर उन्होंने ऐसा किया। बहादुर की तो चल, बहादुर बहादुर आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहिबा, सुबह से ना मेरा दिल बहुत तेजी तेजी से धड़क रहा है और नब्ज तेजी तेजी से दौड़ रही है, ये कोई बीमारी का अलामत है क्या? जी बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के यही सिम्टम्स होते हैं। ओ, ये तो मुझे सुबह से हो रहा है, क्या आप चेक कर सकती हैं? दिखाएं। जी दिखा दो। एक तो हमारे यहाँ के लोग अपने ख्याल नहीं रखते आप लोग। चुटकी देखो तो किस तरह उसका हाथ पकड़ा हुआ है। बेशरम बेहया, मेरे घर में मेरे शौहर का हाथ पकड़ के बैठी है। अम्मी चुटकी बोलो क्या करना है। मुझे कोई चीज ला के दे। हाथ में पकड़ी हुई है। गैरत शर्म सब खत्म हो गई है क्या? क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ तुम्ही से बात करें। लेकिन मैंने क्या किया है? मेरे घर में मेरे शौहर का हाथ पकड़ के बैठी और पूछ रही हूँ मैंने क्या किया है? शाजिया तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने इनका हाथ नहीं पकड़ा था, मैं तो सिर्फ इनकी नर्व्स चेक कर रही थी। अरे झूठ मत बोलो, हमने अपनी आंखों से देखा है, हाथ पकड़ के क्या राखी बांध रही थी तुम? आप पागल पागल हैं क्या? क्या तुम हमें पागल कह रही हो? खबरदार जो मेरी सास को पागल कहा। सिर्फ ये नहीं, तुम समेत तुम्हारा पूरा घर पागल है। तेरी ऐसी की तैसी पागल बोलती है मुझे। अरे शाजिया ये तुमने क्या कर दिया? अरे मर तो नहीं गई? वैसे तो कितने बेशरम है आप, कितने मजे से इसका हाथ पकड़ के बैठे थे। हसीना तुम्हें कसम है मेरी, तुम उठ जाओ, होश में आ जाओ हसीना। अम्मी देखे कितने प्यार से उठा रहे, मुझे कभी इतने प्यार से नहीं उठाया इन्होंने। शाजिया ये भी किसी की बेटी है। कौन हूँ, कहाँ हूँ, आप सब कौन है? अरे तुम डॉक्टर हो, मैं बहादुर हूँ, तुम मेरी नफ्स चेक कर रही थी। नहीं मैं खजाने की तलाश में आई थी। खजाना? खजाना खजाने की तलाश में आई थी मैं इधर।